अगर आपको अल्लाह का कोई नेक बंदा मिल जाता है जो आपका, आपकी बेटी का, आपकी वालदा का ख्याल रखे, तो आप उससे शादी कर लीजिए। तो नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि इनका जो नंबर है हम अपनी स्क्रीन पर चला रहे हैं, आप वहाँ से आप इनका नंबर लेके इनसे रब्ता कर सकते हैं, तो इनकी हेल्प कर दें। ये एक बच्ची है, अगर इसकी कोई तालीम के अखराजात कोई पूरे कर दे, या इनकी वालदा है उनके मेडिसिन के अखराजात अगर कोई शख्स ले ले, तो ये बहुत बड़ी बात होगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं राइजिंग पीपल और मैं हूँ मोहम्मद अजीम। नाज़रीन, हमारे साथ एक आज एक बहन है, उनकी एक बहुत ही दर्दनाक स्टोरी है। तो वैसे तो हम आपके साथ जो है ना डिज़र्विंग फैमिली की वीडियोस लाती रहती हैं, तो हालात दुनिया आप तक पहुँचाते रहते हैं, तो जो हमारा हक है हम अदा कर रहे हैं, जो आपका है वो आप भी अदा कीजिएगा। तो हमारे साथ जो बहन है, हम उनसे जानते हैं कि उनको क्या मुश्किल हैं या उसके ज़िंदगी से इससे पहले कैसी गुजर रही थी। जी अस्सलाम वालेकुम मैम। जी बहन, मुझे बताइएगा कि आपकी ज़िंदगी में ऐसा क्या मोड़ आया, कैसे पहले आपकी ज़िंदगी बेहतरीन थी, कैसे गुजर रही थी? पहले हमारी ज़िंदगी तो बहुत अच्छी थी, मेरा इलाज बहुत अच्छा था, फिर ऐसे हालात हो गए कि मेरी कहीं एक्सीडेंट हो गई, उनकी डेथ हो गई। जी, तो आपका मियाँ, आपकी शादी हुई थी तो आपके हालात बहुत बेहतरीन थे, तो आपका गुजर बसर बेहतरीन हो रहा था, तो आपके मियाँ की डेथ होने के बाद तो आपके पास से अपना घर था, तो आप वहाँ पर रह रही थी, उसके बाद आपके साथ क्या हुआ? घर था कुछ दिन बाद ही, फिर मेरी सास ने निकाल दिया, फिर मैं अपनी मम्मी की तरफ चली गई। मेरी मम्मी की तरफ बीमार रहती है, उनकी दवाई का खर्चा होता है बहुत मुश्किल से, मेरे के बच्चे हैं बहुत मुश्किल घर का काम करती है, घर वालों का बहुत मुश्किल से गुजारा हो रहा है। जी, आप जो है लोगों के घरों में काम करती हैं, आपकी माशाल्लाह एक बेटी भी है, बहुत खूबसूरत है, तो माशाल्लाह एक बेटी है आपकी, तो आप लोगों के घर में जो है खर्च कमा के उससे अपने अखराजात कैसे पूरे कर लेती, क्योंकि आजकल की महंगाई में दौर में इस तरह पूरे करने बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल से कर रही हूँ, क्योंकि मेरी दवाइयाँ भी लेनी होती है, बच्चे नहीं करते, कराए भी बहुत मुश्किल से हो रहा है, तो बस यही है कि मेरे इनके लिए विनती है कि मेरी कोई हेल्प करें। जी नाज़रीन, आपने सुना कि आजकल आपको भी पता है कि जिस तरह महंगाई हो चुकी है, इस महंगाई के दौर में गुजारा करना इंतहाई मुश्किल हो चुका है, बड़े बड़े बासर लोगों का बहुत मुश्किल हो चुका है, तो गरीब लोगों का तो इंतहाई मुश्किल हो चुका है, बल्कि जीना मुश्किल हो चुका है। तो जी मेरी बहन, आपका क्या इरादा है, कि आप कोई ऐसा इरादा रखती हैं कि अगर आपको कोई, क्योंकि ज़िंदगी तो आपने गुजारनी है, अगर आपको अल्लाह का कोई नेक बंदा मिल जाता है जो आपका, आपकी बेटी का, आपकी वालदा का ख्याल रखे, तो आप उससे शादी कर लीजिए। जी करूँगी, कोई अच्छा सा हो जो मेरी बेटी का, मेरी अम्मी का, मेरे घर का ख्याल रखे, कोई अच्छा सा अल्लाह का बंदा हो, मैं उससे शादी करने के लिए तैयार हूँ। जी नाज़रीन, आपने सुना कि वो कहती हैं अगर कोई ऐसा शख्स जो मेरा, मेरी वालदा और मेरी बेटी का ख्याल रखे, क्योंकि ये एक बहुत ही फूल जैसी बेटी है माशाल्लाह, तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास औलाद नहीं है, औलाद के लिए तरस रहे हैं, अगर वो कर लेंगे तो उनके लिए एक बेटी भी मिल जाएगी, उसको इसकी वालदा जो है उनको माँ भी मिल जाएगी, और एक अच्छा घर बसाने के लिए एक अच्छा साथी मिल जाएगा। हमारा काम था आप तक ये आवाज़ पहुँचाना, आपका काम है आगे इनकी हेल्प करना। बासर जो लोग हैं अगर ऐसा कुछ नहीं कर सकते तो इनकी हेल्प कर दें। ये एक बच्ची है, अगर इसकी कोई तालीम के अखराजात कोई पूरे कर दे, या इनकी वालदा है उनके मेडिसिन के अखराजात अगर कोई शख्स ले ले, तो ये बहुत बड़ी बात होगी। जी मेरी बहन, तो ये वीडियो आपकी मर्ज़ी से बन रही है? जी। तो नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि इनका जो नंबर है हम अपनी स्क्रीन पे चला रहे हैं, आप वहाँ से आप इनका नंबर लेके इनसे रब्ता कर सकते हैं, और अगर आप किसी मुश्किल, परेशानी या कि किसी दुख की घड़ी में हैं, तो आप चाहते हैं कि हम बने आपकी आवाज़, तो आप हमारे नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर में हमारे साथ रब्ता करेंगे। तो आप देखते रहिए राइजिंग पीपल। अल्लाह हाफिज़।